एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मॉर्निंग डायरिया के बारे में। बहुत सारे लोगों को होता है कि सुबह सुबह उठते ही लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। वंस इन अ वाइल अगर ये होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो इसके कई सारे मेडिकल रीजन भी हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उन्हीं कारणों के बारे में कि किस वजह से सुबह सुबह लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें मॉर्निंग डायरिया की, यानी कि सुबह सुबह जैसे आप सोकर उठते हैं उसके साथ ही आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये वंस इन अ वाइल सबको हो ही जाता है। कभी डाइट अच्छी नहीं रही, एसिडिटी, ब्लॉटिंग हुई, कोई भी रीज़न हो सकता है, फूड इंटॉलरेंस हो गया, तो कभी ना कभी सबको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, यानी सोकर उठते हैं उनको लगभग डेली ही लूज मोशंस होते हैं, दस्त लग जाती है, और ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत डिफ़िकल्टी आती है अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कुछ इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उससे भी हो सकता है। किसी चीज़ से, किसी फूड आइटम से आप एलर्जिक हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, तो इसमें भी ये मॉर्निंग डायरिया का लक्षण जो है देखने को मिलता है। अगर आपके साथ फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास विजिट करके ज़रूर रूल आउट कीजिए कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बात करते हैं टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं अगर आपको सुबह सुबह डायरिया के इशू होते हैं। आपका कॉज कुछ भी हो, अगर आपके लक्षण मैच कर रहे हैं इन मेडिसिन से, तो श्योरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले। लेकिन आपको सारी दवाइयाँ नहीं लेनी है, जिस दवा से आपके सबसे ज़्यादा लक्षण मैच करें आपको वही लेना है। अगर दवाएं आपको समझ नहीं आ रही तो ज़रूर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट करके अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लीजिए, आपको इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। सो हमारी जो सबसे पहली दवा है वो है सल्फर। सल्फर आपको 200 पावर में लेनी है। सल्फर जो है वहाँ पे काम करती है जहाँ पे सुबह सुबह आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, सुबह सुबह आपको लूज मोशन लग जाते हैं, और उसके साथ आपको पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द बहुत तेज़ होता है, आप मोशन के लिए जाते हैं, स्टूल आपको जो है वाटरी सा रहता है, पानी जैसे स्टूल निकलता है, और उसमें आपको कहीं कहीं फ्रॉथ भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी झाग से प्रेजेंट रहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स निकलते हैं, ऐसा लगता है कि खाना जो भी खाया था वो पचा नहीं, ऐसे ही निकल गया है। इसके साथ साथ अगर आपको भूख कम हो जाए और आपका मुँह का जो टेस्ट है वो बिटर हो जाए, कड़वा हो जाए, तो इस तरह के लक्षण मिलने पे सल्फर जो है मॉर्निंग डायरिया में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी हमारी दवा है एलोए। एलोए भी 200 पावर में आपको लेना है, जहाँ पे आपको सुबह आँख खुलने के साथ ही अर्ज होती है टॉयलेट जाने की, आपको तुरंत भागना पड़ता है, और आपको जो है बहुत ज़्यादा गैस और ब्लॉटिंग भी रहती है। आपको मोशन पास करने के दौरान और उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, कटिंग सा दर्द होता है, जैसे कुछ कट रहा हो, लेकिन जब आप मोशन पास कर लेते हैं तो आपका ये दर्द कम हो जाता है। आपको जेली लाइक म्यूकस भी निकलता है अगर स्टूल के साथ, तो इस तरह की कंडीशन में एलोए बहुत अच्छा काम करती है मॉर्निंग डायरिया के केसेस में। थर्ड हमारी मेडिसिन है नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ भी आपको 200 पावर में लेना है, वहाँ पे काम करती है जहाँ पे एक्सेसिव गैस और ब्लॉटिंग रहती है, उसके साथ आपको मॉर्निंग डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। कई बार इतनी गैस रहती है कि गैस पास होते होते ही स्टूल पास हो जाता है, पेशेंट को पता नहीं चल पाता है, इनवॉलंटरी स्टूल निकल जाता है गैस के साथ। तो इस तरह की अगर कंडीशन रहती है कि ब्लॉटिंग और गैस बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह एकदम लूज मोशंस लग जाते हैं, तो ऐसे में आप नाइट्रम सल्फ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आपके लक्षण के बेस पर, आपके कॉज के बेस पर दिया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिसको सुबह सुबह दस्त लग जाती है, लूज मोशंस लग जाते हैं, और ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, अपनी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सबको होम्योपैथी के अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।